देश में लॉकडाउन खत्म करने का काम 3 चरणों में पूरा होगा। 8 जून से शुरू होने वाले पहले चरण को अनलॉक 1 नाम दिया गया है। अनलॉक 2 जुलाई से शुरू होगा, जबकि तीसरे चरण की तिथि अभी तय नहीं हुई है। देश भर में 8 जून से रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू होगा। अभी तक ये शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक था। हमारी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज होने वाली है, हमारी इंडस्ट्री के अंदर स्टैंडर्ड आने वाला है। और वो क्यों आने वाला है? बिकॉज क्लाइंट के दिल में एक जो डर है ना कि क्या मैं शॉप में जाऊं, शॉप में जाना मेरे लिए सेफ है। तो इसके लिए हमें बहुत सारे न्यू SOP पे काम करना पड़ेगा। न्यू SOP क्या है कि जैसे ही शॉप में हमारा क्लाइंट घुसता है, शुरू वहां से होता है, और सिर्फ वहां तक नहीं होता है, उसको जो हमारा क्लाइंट, जो हमारा हेड डेस्क है, उसको, उसके साथ काम कर रहा है, उसकी एजुकेशन जरूरी है। और इसके अंदर 3 चीजें हैं। सबसे पहले हमारा हाइजीन, नंबर 2 हमारी सर्विसेज, एंड नंबर 3 हमारा कॉन्टैक्ट। तो पहले हम लोग सैलों में जाते थे, बहुत सारी बातें करते थे, बात नहीं कर सकते। जो शैम्पू होगा, शैम्पू ऐसे नहीं होगा, अब शैम्पू उल्टा होगा। तो मतलब ये 50 साल पहले 60 साल पहले हमारी जो बाबर शॉप का कल्चर था वो वापस आने वाला है। सो आई थिंक, मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में जमीन आसमान का डिफरेंस आने वाला है। जो ब्यूटी पार्लर कल्चर था इंडिया का, वो बन जाएगा सिर्फ हेयर सैलून कल्चर। बिकॉज लोग फेशियल घर पे कराएंगे, लोग मैनिक्योर घर पे कराएंगे, तो DIY आने वाला है। इस कंट्री के अंदर 3 करोड़ सैलून चलती हैं, मतलब एक हेयरड्रेसर के लिए 500 सर चाहिए। तो हमारी इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, और अगर एक सालों के अंदर 3 लोग भी काम करते हैं, तो हम लोग बात कर रहे हैं 9 करोड़ लोग हमारे इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। मतलब आप सोचो कि 9 करोड़ लोगों के घर किससे चलते हैं? हमारी कैंची से चलते हैं। फाइनली खुल रही हमारी सैलून, आई एम सो हैप्पी। एंड आई एम नॉट जस्ट, इट्स नॉट जस्ट मी, आई थिंक मैं इंडस्ट्री के लिए बहुत खुश हूँ कि इंडस्ट्री जो सफर किया है ना 10 हफ्ते, फाइनली वी आर ओपनिंग। ये खुजली जो मछली ना कैंची चलाने के लिए, इसमें पावर आने वाली है। अब हम जान लेते हैं कि पहले चरण में क्या खुलेगा। पहले चरण के अंतर्गत नॉन कंटेनमेंट जोन में सभी धार्मिक स्थानों को 8 जून से खोल दिया जाएगा। इसके साथ ही शर्तों के साथ शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, सैलून, होटल, आतिथ्य सेवाएं शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के साथ उचित परामर्श करने के बाद इस तरह की गतिविधियों के लिए SOP जारी करेगा। इसका उद्देश्य सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करना और वायरस को फैलने से रोकना है। द इंडिया मॉल कम्युनिटी अक्रॉस द कंट्री, दे आर ईगरली वेटिंग फॉर द मॉल्स टू रीओपन, बिकॉज वी हैव टू गिव अस अल्टरनेट सेफ डेस्टिनेशन टू द कस्टमर्स हु हैज टू डू द शॉपिंग। सो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू, लाइक वी आर टेकिंग वॉट एवर प्रिकॉशंस वी नीड टू एंश्योर दैट द स्पेस इज सैनिटाइज। We have done markings around the mall to ensure that there is social distancing. Along with that, we have in each floor we have a social distancing officer who is responsible to ensure that each people are maintaining the social distance. दूसरे चरण में कहां मिलेगी रियायत? दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान खोल दिए जाएंगे। हालांकि ऐसा केवल राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ स्कूलों, बच्चों के माता पिता और अन्य संबंधित पक्षों से विचार विमर्श के बाद ही किया जाएगा। तीसरे चरण में पूरी तरह अनलॉक होगा देश। तीसरे चरण में स्थिति के आकलन के आधार पर अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, सार्वजनिक परिवहन और मेट्रो रेल शुरू करने पर भी विचार किया जाएगा। इसके अलावा सिनेमाघर, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार के अलावा ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल तक को भी खोलने की अनुमति मिलेगी।